सबसे पहले ओवरऑल जो रिजल्ट्स है उसी से मैं शुरुआत करना चाह रही थी, क्योंकि डिसबर्समेंट्स काफ़ी बेहतरीन रहे हैं। एक आइडिया, कंडीशन क्या थी, रिजल्ट्स के हाइलाइट्स क्या रहे, और चूंकि रूरल परफॉर्मेंस यहाँ से थोड़ा इम्प्रूव हो भी रहा है, हम लोग नंबर्स में भी वो विटनेस कर रहे थे, एक आइडिया वहाँ से भी कैसे टर्न अप हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सो हेडलाइन नंबर तो बहुत अच्छा है कि पैट में 47% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, लेकिन समझना जरूरी है कि ये कैसे है। सो 3 मंथ्स बैक हमने हमारा लक्ष्य 26 प्लान अनफोल्ड किया था। उसमें ये था कि दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट थे कि हमारा जो रिटेलाइजेशन है वो 80% पे लेके जाए 51% से। तो एक ही क्वार्टर में वो 51-54% हुआ है और हम काफी कॉन्फिडेंट है कि एट द एंड ऑफ दिस ईयर इटसेल्फ वो 60% क्रॉस कर जाएगा, तो वो बहुत अच्छा चल रहा है। दूसरा कि रिटेल ग्रोथ जो हमने बोला था 25% CAGR होगा, वो 6% Q-on-Q ग्रोथ हुआ है हमारा, सो विच शोज कि वी विल बी एबल टू मीट दैट टारगेट। सो ये दो चीजें बहुत अच्छी हुई है। दूसरा कलेक्शन ट्रेंड्स, कलेक्शन एफिशिएंसीज अक्रॉस द बोर्ड अच्छे हुए हैं, प्री कोविड लेवल या उससे भी ज्यादा अच्छे हुए हैं। और दूसरी बात कि क्रेडिट कॉस्ट ईयर ऑन ईयर 12% से कम है। सो ये चारों चीज जब फॉल इन प्लेस हुए हैं तब ये 47% ग्रोथ दिखा है। अब अगर देखा जाए कि ये डिसबर्समेंट ग्रोथ यहाँ कैसे आया, इतना दो चीज जो हमारे ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ्स है विच इज रूरल बिजनेस फाइनेंस, विच इज टू व्हीलर्स, विच इज ट्रैक्टर्स, ये चीज में हमारे ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ्स अभी काम पे आए। और जैसे हमारे कॉन्टैक्ट्स विद डीलर्स है, कॉन्टैक्ट्स विद OEMs है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फार्मर है इससे, और ऑफकोर्स अच्छी मानसून, अच्छे रिजर्वायर लेवल्स, अच्छी फसल, इससे ये ग्रोथ आया है। लेकिन दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हमने जैसे बोला था कि हम फिनटेक एट स्केल बनना चाहते हैं, जिससे हमने काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स डेटा एनालिटिक्स में किए और वो अभी 2 साल के बाद अभी रंग ला रही है एक्चुअली। सो यू विल सी कि इवन इन द ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स रूरल बिजनेस फाइनेंस में 50% ऑफ द डिसबर्समेंट इज कमिंग फ्रॉम रिपीट कस्टमर्स जो डेटा एनालिटिक्स से बनता है, या फार्मर फाइनेंस में 25% ऑफ द डिसबर्समेंट इज कमिंग फ्रॉम रिपीट कस्टमर्स। फिर जो कंज्यूमर लोन्स है वो ऑलमोस्ट एंटायर डिसबर्समेंट कम्स फ्रॉम लॉयल्टी, दैट इज रिपीट कस्टमर्स। अच्छी तरह से होम लोन्स ग्रो हो रहा है। अभी हम SME तो बहुत छोटे हैं, अभी लॉन्च करेंगे, तो डिजिटल डेटा एनालिटिक्स एंड मोर प्रोडक्ट्स लाइक हैविंग कंज्यूमर लोन्स, हैविंग SME, ग्रोइंग HL, तो ये अगर हमारे लेट्स से हमारे आर्मरी में 3 रामबाण थे विच इज रूरल बिजनेस फाइनेंस, फार्मर फाइनेंस एंड टू व्हीलर्स, आज के दिन में 5 या 6 प्रोडक्ट्स के स्ट्रेंथ है और उसके साथ डिजिटल एंड डेटा एनालिटिक्स है, इससे डिसबर्समेंट ग्रो होगा और जैसे कलेक्शन इम्प्रूव होगा वैसे प्रॉफिट और अच्छा होते रहेगा। सो गुड एनवायरनमेंट, गुड प्लान एंड गुड एग्जीक्यूशन, ये एक त्रिमूर्ति या त्रिकुट जब साथ में आता है तब रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। अग्रीड सर। अच्छा, डिजिटल को लेकर भी आपके काफ़ी प्लान्स थे जो मैं आपके कुछ कमेंट्स में पढ़ भी रही थी, यहाँ पे ईयर एंड पे ग्रोथ कैसे दिखेगा, एक आइडिया इसके ऊपर। और साथ ही मुझे एक और चीज़ समझनी भी है, क्योंकि हम लोग जितने भी सेगमेंट्स की बात कर रहे हैं, आपका एक्सपोजर टिपिकली रिन्यूएबल्स और रोड्स के अंदर कितना है, अगर आप ये बाइफिकेशन डिटेल मुझे दे पाएं तो। मैं आपके डिजिटल वगैरह का आंसर करता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है और डिजिटल और डेटा एनालिटिक्स और डिसबर्समेंट ग्रोथ उसकी एक बात है। सो मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स वी विल लॉन्च विच इज कॉल्ड डिजिटल नेटिव, जो मतलब स्टार्ट टू फिनिश पूरा डिजिटली होता है। लाइक हम अगर कंज्यूमर लोन ले तो एक भी डॉक्यूमेंट नहीं होता जो कस्टमर को साइन करना पड़ता है, वो सारे साइंस वगैरह ऐप पे होते हैं। यू नो इवन रूरल बिजनेस फाइनेंस जैसा प्रोडक्ट जो मतलब एकदम ग्रासरूट प्रोडक्ट है, वो हमारा पूरा ऐप पे होता है, वो कस्टमर ऐप पे सिग्नेचर करता है और सारा डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ ऐप पे होता है। सो दिस इससे जो आपका जो कंस्ट्रेंट होता है ग्रोथ पे कि आप फिजिकली कहाँ तक रीच कर पाएंगे, वो डॉक्यूमेंट कैसे फ्लो होगा, ये सारे कंस्ट्रेंट्स निकल जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि डिजिटल इज वेरी मच सुपीरियर टू फिजिकल, लेकिन डिजिटल टेक्स अवे द कंस्ट्रेंट्स बिटवीन यू एंड योर कस्टमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, वहां से ग्रोथ आ रही है।
दूसरी चीज मैं तो सबसे इंपॉर्टेंट यह बोलता हूँ कि बिजनेस तो ग्रोथ है ही, लेकिन जैसे आप रिटेल ग्रो करते हैं सबसे पहले सफर करता है आपका सर्विस, क्योंकि जैसे ब्रांचेस इंक्रीज होंगे हर जगह पे तो आप अच्छे सर्विस लोग नहीं रख पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। तो अगर एक साल पहले देखें तो 54% ऑफ अवर सर्विस रिक्वेस्ट यूज टू कम फ्रॉम ब्रांचेस एंड ऑलमोस्ट अनदर 35% यूज टू कम फ्रॉम कॉल सेंटर्स। टुडे वी हैव ऑलमोस्ट इन्वर्टेड दैट पिरामिड। टुडे ऑलमोस्ट लेट्स से 55% और सो कम्स फ्रॉम सेल्फ हेल्प विच इज कम्स फ्रॉम एप्स वेबसाइट एक्सेट्रा। जो सेल्फ हेल्प, अगर कस्टमर पहले एनओसी के लिए अप्लाई करके उसको 2 दिन रुकना पड़ता था, आज वो खुद ऐप से एनओसी 1 सेकंड में डाउनलोड कर सकता है। सो दैट इज अ बिग ग्रोथ एंड नाउ ब्रांच सर्विसिंग फ्रॉम मोर देन 50% हैज कम टू 21%। हमारी तो कोशिश रहेगी कि वो ऑलमोस्ट जीरो करें। सो सेल्स, सर्विसिंग और कलेक्शन, ये तीनों जगह पे डिजिटल एंड डेटा एनालिटिक्स जब काम करता है तब उसको फिनटेक एट स्केल बोलते हैं हम। फिनटेक एट स्केल क्या है कि फिनटेक तो बहुत है, एनबीएफसी एट स्केल भी बहुत है, ये दोनों चीज जब साथ में आती है तब फिनटेक एट स्केल बोलते हैं कि बिहेव लाइक फिनटेक बट हैव अ स्केल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एनबीएफसी। ये चीजें अच्छी तरह से साथ में आ रही है। अग्रीड सर। इन टर्म्स ऑफ निम्स, इसके ऊपर भी मैं आपका एक गाइडेंस चाह रही थी, क्योंकि इस बार भी हम लोगों ने जो क्वार्टरली नंबर्स पोस्ट किए हैं वहाँ पे हाईएस्ट वो अचीव हो चुका है। अब यहाँ से ट्रेजेक्टरी कैसी रहेगी ईयर लॉन्ग? अच्छा क्वेश्चन है। निम्स में दो चीजें आती है, एक तो आपके प्रोडक्ट स्ट्रेंथ क्या है और आपका आप कस्टमर को कैसे चार्ज कर सकते हो, दूसरा आपका कॉस्ट ऑफ फंड्स कैसे ट्रेंड कर रहा है। तो आपने देखा होगा कि लास्ट क्वार्टर में रेगुलेटर ने 90 बेसिस पॉइंट से कॉस्ट इंक्रीज किया था, लेकिन हमारा कॉस्ट ऑफ फंड्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7 बेसिस पॉइंट से कम हुआ है। ये कैसे हुआ है, कोई जादू नहीं है। ये जो स्ट्रेटेजी थी हमारी कि लास्ट ईयर जब कॉस्ट बहुत नीचे थी तब हमने शॉर्ट टर्म फंड्स रेज करने का टेम्पटेशन होता है वो अवॉइड किया, और हमने मीडियम टू लॉन्ग फंड्स रेज किए, जिससे आज हमें फायदा हो रहा है कि जैसे कॉस्ट ऊपर जा रहे हैं वैसे हमारे कॉस्ट काफी लॉक्ड इन है। हैविंग सेड दिस, अगर इंटरेस्ट कॉस्ट और इंक्रीज होंगे कोई डाउट नहीं है कि हमारे कॉस्ट भी ऊपर रहेंगे, ऊपर जाएंगे, लेकिन प्रपोर्शनेटली कम जाएंगे। मतलब जितना एनवायरमेंट में इंक्रीज हो उससे कम हमारा इंक्रीज होगा, और इसमें से काफी हद तक हम पास ऑन भी कर पाएंगे। अभी अगर आपको गाइडेंस देना है मुझे, 8.2527 से बढ़ेगा जेन्युइनली मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा तो आई विल बी प्लेजेंटली हैप्पी, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा मॉडरेट होगा। लेकिन हम कॉन्फिडेंट है कि बाय द एंड ऑफ द ईयर इवन वी विल बी एबल टू मेंटेन इट अराउंड और अबव 8%, जो बहुत हेल्दी लेवल है। मतलब 1.5 साल पहले हमारी ये लेवल 6.5-7% हुआ करती थी, जो अभी ये एनवायरमेंट में अगर हम 8% पे मेंटेन कर पा रहे हैं तो बहुत हेल्दी रहेगा प्रॉफिटेबिलिटी। और इन टर्म्स ऑफ असेट क्वालिटी, यहाँ पे मैं कैसे इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट करूँ, क्योंकि इस क्वार्टर के दौरान थोड़ा बहुत तो हम लोगों ने डिप्लीशन देखा है। सो हम असेट क्वालिटी में दो चीजें होती है, एक तो ऑन टाइम कलेक्शन एफिशिएंसी जो बहुत अच्छी ट्रेंड हो रही है। जैसे मैंने बताया काफी प्रोडक्ट पे प्री कोविड लेवल पे चली गई है, काफी प्रोडक्ट में प्री कोविड लेवल से बेहतर है। ये अच्छा ट्रेंड करता है कि जो असेट क्वालिटी होते हैं हम हमेशा GS 390+ बोलते हैं, लेकिन हमारी थियोरी ये है कि जीरो पे ही वो करटेल करो तो अच्छा रहता है, जो अच्छे तरह से हो रहा है। अगर आप GNPA देखें या GS3 देखें, ईयर ऑन ईयर तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, Q4 टू Q1 भी काफ़ी स्टेडीनेस है उसमें। लेकिन अभी Q1 में ना जो हमने लास्ट ईयर OTR किया था उसमें से काफी हद तक Q1 में NPA बना, जो हमने पूरा प्रोवाइड कर दिया, नो डाउट। Q2 में भी कुछ इसमें से बन सकता है और वो प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास काफी रिजर्व्स पड़े हुए हैं। Q3 ऑनवर्ड्स इसका जो इम्पैक्ट है OTR का वो चला जाएगा पूरी तरह से, जो भी अनसिक्योर्ड हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं माइक्रो लोन्स वगैरह उसका OTR खत्म हो जाएगा और Q3 ऑनवर्ड्स क्रेडिट कॉस्ट और GS3 will trend even better, ऐसे हमें लगता है। प्रिसाइज नंबर का तो हमने गाइडेंस 4 साल का दिया हुआ है कि हमारा NS3 जो आज अराउंड 1.9% है वो 1% से नीचे आएगा 4 साल।
अग्रीड सर. अच्छा, इसके अलावा इन टर्म्स ऑफ डेट टू इक्विटी यहाँ से किस तरीके से इम्प्रूवमेंट्स फर्दर दिख सकते हैं, इसके ऊपर एक आइडिया. कैपिटल एडिक्वेसी की बात करता हूँ, हमारे पास काफी कैपिटल है जैसे हमने बताया. आपको तो ये भी पता होगा कि हम म्यूचुअल फंड के लिए एचएसबीसी के साथ म्यूचुअल फंड बेचने के लिए डील किया हुआ है. नाउ सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी अप्रूवल्स एक्सेट्रा वी आर होपिंग कि वी विल बी एबल टू क्लोज दैट डील दिस ईयर. सो उससे भी कैपिटल आएगा. सो हम काफी कॉन्फिडेंट है कि बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाने के बाद भी, मतलब 25% प्लस ग्रोथ रिटेल में दिखाने के बाद भी अगले 4 साल के लिए कैपिटल काफी होगा. तो कैपिटल रेजिंग का कोई प्लान नहीं. अग्रीड सर. अच्छा, इसके अलावा क्योंकि ये सारी डील्स की हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं, इसके बाद पूरे साल के दौरान किस तरीके से परफॉर्मेंस रहेगा इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन बॉटम लाइन, एक आइडिया अगर आपने कुछ टारगेट सेट किए हैं वो बता पाएं. काफी ओपन है ये मैटर में. रिटेल में हम डेफिनेटली मिनिमम 25% ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं साल के अंत तक, और रिटेलाइजेशन का बाइफरकेशन जो है वो 60% क्रॉस करना एक्सपेक्ट करते हैं डेफिनेटली.